आगे जाइए आगे जाइए आगे जाइए बंजारा रंगो रखो क्या करना शांत हो जाओ नहीं चलो 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 पिक हो रही है क्या नो डाउट कुकड़ी है माशा पूछ रहे हैं ये माशा पूछ रहे हो गया अब बीच में ये जो दिख रहा है छोटा सा ये समझदार है 150 रुपया एनआरपी पर फोटो हाय रेगनर 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 लुक पोखरा सबसे ज्यादा फेमस स्पॉट है दोस्तों पूरे नेपाल का तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉप मिलेंगे लेक साइड भी काफ़ी सारे शॉप है और मार्केट भी है आसपास में तो यहाँ पे आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो खूबसूरत खूबसूरत सारे हैं यार यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह दो दिन से पोखरा में हूँ और कल शाम में ही बस थोड़ा सा घुमा था और आज सुबह सुबह उठ गया हूँ पूरा एक्सप्लोर करना है पोखरा रेगनर को भी फ्रेश करवाने लेके आ गया बहुत अच्छा टाइमिंग है सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ दोस्तों और काफ़ी अच्छा लगता है सुबह निकलना भीड़ कम होती है बच्चे दिख रहे हैं देखो रेगनर का एक्सप्रेशन शो करने के लिए दोस्तों जल्दी मैं इंस्टा 360 कैमरा लेने वाला हूँ सो दैट कि उसका एक्सप्रेशन ज़रूर देखने लायक होता है जब किसी डॉग्स को देखता है या कोई और चीज़ों पर अटैक करता है तो जल्द आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा इधर आओ इधर 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 ए फिर रेगनर लड़ाई नहीं उधर नहीं इधर आ चल इधर चलो दोस्तों अगर आपको डॉग के साथ ट्रैवल करना है ना तो उसे बिना पट्टे का ट्रेनिंग जरूर दो क्योंकि अगर आप पट्टे के साथ रखोगे ना तो सच बता रहा हूँ तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा डिफेंस नहीं कर पाएगा और डॉग उस पर ज़्यादा अटैक करेंगे तो परेशान हो जाओगे यहाँ रेगनर 10-20 डॉग्स कितने भी देख ले वो हमेशा काम रहता है और पहले साइड से निकलने का कोशिश करेगा अगर कोई दोस्त होगा तो उसके साथ खेलेगा तो बहुत अच्छा ट्रेन किया हूँ बहुत काम है और तभी तो सुकून मिलता है उसके साथ ट्रैवल करने में ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मैं परेशान हूँ दोस्तों अभी आया हूँ मैं विंध्यवासिनी टेम्पल तो देखते हैं यहाँ क्या एक्सपीरियंस है डॉग अलाउड होगा कि नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे मंदिर में तो अलाउड हो रहा है ऐसा मैं एक्सपीरियंस किया हूँ बट यहाँ का नहीं पता और यहाँ मैं मिलूँगा एक्सक से भी जो यहाँ पे सेटल हो गए हैं बिहार के हैं तो वो मुझे गाइडलाइंस भी करेंगे और उनका सपोर्ट भी मिल जाएगा घूमने में आसानी हो जाएगी हेलो ब्रो चलो एक पार्टनर भी ले आया ना बढ़िया तो ये अमन जी आए हैं बिहार से मोतिहारी से यहीं सेटल हो गए हैं काम वगैरह कर रहे हैं तो फॉलो करते हैं स्टॉक करते हैं तो बातचीत हुई इनसे और देखो यही आए हैं अभी सुबह सुबह अब हम लोग यहाँ चलने वाले हैं डॉग अलाउड है कि नहीं है देखते हैं क्या होगा ये टेंपल के बारे बात हो रही है क्या नो डॉग बैठो आ रहे 5 मिनट में ठीक है बदमाशी नहीं हालांकि दोस्तों नेपाल में बहुत सारे टेंपल में डॉग अलाउड है यहाँ पे नहीं है और थोड़ा पहले भी मैं वाइब्रेशन फील कर लिया इतना एक्सपीरियंस जो है ट्रैवल करने का इसलिए मैं उसे पट्टे में लगाया खैर ज़्यादा देर उसे पट्टे में नहीं रख सकता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया उसे बीच में कहीं छोड़े हुए तो यहाँ से निकलना होगा बस आसपास आप लोग को दिखा दे रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे आना पूजा वगैरह करना अच्छा जगह है फिलहाल मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एडवेंचरस प्लेस में जहाँ रेगनर और मैं दोनों साथ में घूम सकते हैं स्ट्रेच कर रहा है तुम्हारे चक्कर में हम कोई मंदिर नहीं जा पाते हैं मेरा नाम परवीन सुवेदी है परवीन सुवेदी आपका यूट्यूब चैनल में मैं नेपाल से ही हूँ आपका वीडियो बहुत हेर रहा हूँ मैंने अच्छा जैसा आप बोलती है ना तो वैसा वैसा हम घुमाएंगे नहीं कितना पैसा लोगे बताओ ना उसके बाद 15 से 2000 नेपाली 15 से 2000
बहुत सस्ता है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए बाइक में स्कूटी में जल्दी जल्दी ड्राइव वाला ना तो सस्ते में आया। ठीक है आपने देंगे ना पेट्रोल का, पेट्रोल महंगा है। आपका नंबर मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, आपका नाम डाल दूंगा, आप उनसे ठगना जितना ठगना है। सही रेट बताओ ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसपास है यार, पेट्रोल तो लगेगा ही नहीं। हाँ यूट्यूबर है आपके लिए, बहुत सस्ता करेंगे हम 13 से 14 से। चलो ठीक है ना, मैं करूँगा यार। चलो ठीक है, ठीक है, ये हो गए रेडी, वरना हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। इनके पास ना बाइक है ना कोई सहूलियत है, लेकिन फिर भी आ गए हैं तो चलो मैनेज हो गया। लाइसेंस नहीं है मेरे पास, लाइसेंस नहीं है, यहाँ पुलिस लोग पकड़ता है बहुत ज्यादा। रैगनर, दोस्तों आपको क्या पता है मैं रैगनर को बांध करके क्यों नहीं रखता हूँ बाइक में? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एक्सीडेंट होता है तो वो एकदम, उसे मैंने ट्रेनिंग दिया है कि वाइट पट्टी के फुटपाथ के एरिया में जंप करने के लिए, वो सेंस कर लेता है विद इन अ सेकेंड कि एक्सीडेंट होने वाला, और आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि उसे एक खरोच भी मैंने आने दिया। आप देखे होंगे, हाँ मुझे बहुत बार खरोचे आई है लेकिन रैगनर को नहीं आया। उसे मैं जानबूझ करके बहुत बार घास वाले मैदान में उसे मैंने ट्रेनिंग दी है गिराने का दोस्तों। और दूसरा रीज़न है दोस्तों बांध करके नहीं रखने का, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा तो वो साथ साथ में घसीटते हुए जाएगा और ये मुझे पसंद नहीं है। उसे मैंने फुर्तीला वाला ट्रेनिंग दिया हुआ है, चारों पैर हवा में रहता है दोस्तों और एकदम साइड में जंप करता है वो। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ सांगरकोट, जो पूरा आप देख सकते हो पोखरा को, और बहुत अच्छा सीनरी है सामने, आप देख रहे होगे वो माउंटेन व्यू भी दिख रहा है आपको, सारा हिमालय रेंज भी आपको दिखेगा, तो काफ़ी बेस्ट प्लेस है। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे स्टेप रहेगा, तो वीडियो पे बने रहें, और वीडियो अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। हमारा दोस्तों एकदम मेन मकसद है पूरा वर्ल्ड टूर करने का रैगनर के साथ, जो आज तक किसी ने किया है, और सबसे पहला हम लोग हैं जर्मन शेफर्ड को मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया घुमाया हूँ दोस्तों, स्कूटी पे और फिर अभी बाइक पे। और हाँ ये चीज़ भूलना नहीं है कि 1000 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल भी चला था रांची से आगरा तक। उतरो, ऊपर चलना है ना? अरे यार तू उतार क्यों दिए पैदल? अच्छा बड़ा धीरे आ रहे थे आप लोग, हम जबकि धीरे धीरे चलाएं फिर देखे कि नहीं, इनका स्कूटर ये थोड़ा सा 20-25 का। अबे तुम्हारा भी दोस्त है, स्वागत करो। वाह क्या खूबसूरत ताला है, सब सब कुछ अच्छा लग रहा है। ए, फिर रैगनर, चिल्लाकर रैगनर को वार्न कर देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ डॉग ऐसे हैं जो पीछे से हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। लड़ना नहीं, फिर चलो फिर चलो उधर। ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं है दोनों डॉग्स के ऊपर, वरना क्या दोनों फिर लड़ने लगेंगे, इसलिए बैलेंसिंग एकदम मीडियम वॉइस में चिल्लाता हूँ ताकि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। वेलकम टू सारंगकोट व्यू पॉइंट। कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, चालू हो गया इसका, ये टेंपल है शिव जी का टेंपल, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। वाह नंदी, ये सब जगह अच्छा लगता है यार। थक गया ना तू भी? आई रो
यहाँ से देखो पूरा दिख रहा पोखरा, वो देखो पोखरा उधर साइड। हाँ वहाँ पे ना, हाँ ये एक टावर बन रहा है अभी तक चल रहा है। ये रहा एकदम अंतिम छोर पोखरा को देखना है, पोखरा से ये माउंटेन देखने का बहुत दिलचस्पी था। आज फाइनली अब यार ऊंचा है, वाह ये देखो पोखरा गजब ना। निशान थे कि वो बहुत लोग से पूछते हैं, यहाँ का लोकल लोग को भी पता नहीं है, तो अब देखो अब आएगा मजा। तो ये सबसे बड़ा वाला जो है अन्नपूर्णा, ये तो पता था। देखो ये हो गया दोस्तों अन्नपूर्णा, ठीक है, उसके बगल में है नीलगिरी, ये हो गया नीलगिरी आपका यहाँ पे। फिर जो साइड में वो छोटा सा दिख रहा है ना, वो है धौलागिरी, ठीक है। फिर उसके बाद ये मतलब जो ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है, ये तो है माशा पूछ रहे, ये माशा पूछ रहे हो गया। अब बीच में ये जो दिख रहा है छोटा सा, ये है मर्दी हिमल बीच में, अच्छा हाँ। और फिर उसके साइड में ये जो है, ये है अन्नपूर्णा 3, अच्छा ये भी है क्या, ये अन्नपूर्णा साउथ था शुरू वाला, और ये अन्नपूर्णा 3 है। ओके इसका ये सब का सबसे ऊंचा कौन सा है यार, ये अल्टीट्यूड ये 18,000, ये 22,000, ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, हाँ वही सबसे ऊंचा। फिर ये हो गया अन्नपूर्णा 4, अच्छा सारा अन्नपूर्णा रेंज में है ना, अन्नपूर्णा, अच्छा पीक, अच्छा ये तो अलग है, ये लामजुंग वो लामजुंग कौन सा है यार, एक सेकेंड इधर साइड में गए, दो दो उठा हुआ है। ये तो पहला हो गया मनसलू पहला वाला, ये भैया मनसलू ये वाला लमजुंग, ये वाला है, हाँ ये वाला है, ये वाला लमजुंग है, ये वाला ऊंचा ऊंचा होंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, लेके चलेंगे टापू रेस्ट्रो। टापू रेस्ट्रो यहाँ से कितना किलोमीटर है, फोटो क्लिक कर रहे हो, वो इतना समझदार है, 150 रुपया एनआरपी पर फोटो, एनपीआर सॉरी 150 रुपया लगेगा। बंदर भाई को याद नहीं कर रहा है, ये पप्पी ये बंदर भाई का सब वीडियो में यूट्यूब में आता है, ठीक है आपका फ्री प्रमोशन कर रहा है अभी। सही बात, नहीं बताना पड़ेगा ना, मान लीजिए किसी के साथ कोई पिक्चर क्लिक किया तो बताना पड़ेगा। सो भाई यहाँ पे अभी सब्सक्राइब करा रहा है नाइफ का, ये जो बड़ा है ना रामपुरी जैसा जो दिख रहा है बड़ा सा, ये वाला का प्राइस बोलते हैं, ये इसका 1200, इसका एक बार दिखाइएगा, ये 1200 ना, तो ये सारा पुराना है क्या, ये मेरे को पसंद आया था, लेकिन ये ना बहुत जो बाहर से जो लुक आ रहा है अंदर से नहीं है वैसा, फिनिशिंग जो है ना इसका, हाँ। देखो ना ये ऐसा लग रहा है जंक लगा हुआ पुराना, मतलब इसे नेपाली में खुकड़ी बोलते हैं, खुकड़ी 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 है, गोरखाली खुकड़ी है, गोरखाली है ना खुकड़ी है।
ये सब मत करिए, मेरे को डर लग रहा है। ओ निकाले हैं ब्रांड न्यू, ये ब्रांड न्यू है, ये पैसा है, एक रुपया दो रुपया से दिखाई सिक्का है, नेपाली सिक्का है, रिंग देखिए बढ़िया है, घंटी घंटी है, घंटी बेल बेल, ये वाले ड्रेस पे बहुत ज्यादा मैच करेगा, घंटी बज रहा है, घंटी एक बार देखिए इधर, घंटी पे बोट है, ठीक है, नहीं नहीं अभी मत लीजिए बस आप कुछ, आई नहीं ना ठीक से के देर ही बनेगा, इसे पता अभी टूरिस्ट है, इससे 80 लाख चांदी आउँ थो 180 में चांदी लिन्छ त तिमी, अब गाडीको नाम अभी एक नया दिखाइए ना, ल ब्रास चल दो, नहीं नहीं चलो चलो शांत 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 हो जाओ, नहीं चलो 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 होने वाला है अभी। चलो बहुत शांति से टेकल करना पड़ता है यार, नहीं तो रैगनर भी कम नहीं है, छोड़ेगा नहीं, भोगता ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा करने लगता है कोई ना, थोड़ा साउंड है इसका, अच्छा भाई की बच्ची ये क्या पता नहीं कोई रख के गया है, वेलकम टू सारनकोट जी, ऑफ सी यू एंजॉय द, यहाँ का लिख के दिया है ना, वेलकम टू सारनकोट, उनको दे दीजिएगा फोन, हाँ कैमरा ऑफ कर दीजिएगा बाद में उनके, ठीक है आप इधर ही जाना है ना, अपोजिट हाँ नीचे नीचे के तरफ, नीचे कितना किलोमीटर चले अभी, आप थोड़ा धीरे धीरे चले ना, हम लोग आ रहे हैं साथ में चलेंगे, ठीक है फिर आप ज्यादा नीचे चले जाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना, हो गया ना ठीक है, चलो ओह माय गॉड, यहाँ पे भैया का देख सकते हैं सारा फैंस,